रसोई। प्रेम, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्पेशली चूरा मटर यूपी स्टाइल में, किस तरह से बनाए। और मेरी वीडियो आपको पसंद आए फ्रेंड, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए अब चलते हैं। देखिए, हमने हींग ले रखा है एक चुटकी, जीरा, नमक, काजू 8 से 10 पीस, और चटनी धनिया मिर्चा अदरक लहसुन की पिसी हुई चटनी, और तेल, मटर फ्रेश मटर छिले हुए मटर के दाने कटोरी, और पोहा। चल रहे हैं बनाने की तरफ। मैंने गैस जला दिया, कढ़ाई रख दिया है। अब इसमें मैं थोड़ी सी देसी घी डालूंगी काजू को तलने के लिए। थोड़ी सी मैंने देसी घी डाल दी है। देखिए, काजू में डाल के हल्का ब्राउन होने तक भून लूंगी। देखिए, हल्का ब्राउन हो चुका है अच्छी तरह से। आप काजू अपने हिसाब से ले सकते हो। अब काजू को मैं निकाल दूंगी इस तरह से, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं काजू को। अब मैं इसमें तेल डालूंगी थोड़ा सा। गैस को मीडियम कर दूंगी, जीरा डाल दूंगी, हींग, देखिए अब मैं मटर के दाने डाल दूं। और ये चटनी डाल रही हूँ इसमें। ये बहुत ही जल्दी, बहुत ही सॉफ्ट मुलायम मटर है, बहुत ही जल्दी हो जाएगी 2 मिनट में। ये टाइम नहीं लगता, जल्दी भूख लगे झटपट बनाइए। मैं नमक डाल रही हूँ। नमक डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार। अभी पोहा भी जो करना है डालना है, इसलिए मैं इसे ढक देती हूँ। और तब तक पोहा को धुल के रेडी कर लेती हूँ, 2 से 3 पानी धुल के लेती हूँ, तब तक मटर अच्छे से पक जाएगा। देखिए, अच्छे से मटर धो चुका है। देखिए, आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से, देखिए मटर अच्छे से धो चुका है। अब मैं जो पोहा है चूरे को अच्छे से भून ली हूँ। अब मैं मिक्स कर दूंगी। देखिए किस तरीके से बनाया यूपी स्टाइल में, झटपट 5 मिनट में बनने वाला ये चूरा मटर। पोहा को चूरा भी बोलते हैं। ये चूरा मटर झटपट 5 मिनट में, जब भी भूख लगे 5 मिनट में झटपट बनाइए और गर्मा गर्म सर्व करिए। फ्रेंड, मेरी वीडियो को कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, शेयर भी करिएगा। और तब तक के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ। बाय बाय।